यह पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर अच्छा लगे तो फिर ले जा। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग पैराडाइज। आज मैं जा रहा हूँ बहरमपुर से एक वीकेंड ट्रिप के लिए। अगर आप लोग बहरमपुर या मुर्शिदाबाद या आसपास के जगह में रहते हो और एक वीकेंड ट्रिप के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ जगह का नाम नहीं, कैसे उस जगह में जाना है, कितना खर्चा होगा और कितना किलोमीटर होगा, सब कुछ ही डिटेल्स में डिस्क्राइब कर दूंगा। सो प्लीज़ अंत तक वीडियो को देखिए और स्किप मत कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में वो भी, और हम बंगाली लोग जो हिंदी बोलते हैं वो उसमें थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा, तो प्लीज़ वॉच प्रॉपरली एंड मज़ा। चलिए, मैं बहरमपुर में रहता हूँ, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरे साथ एक फ्रेंड जा रहा है अरिजीत, वो मेरे लिए ये मोहन बाप डॉगी, वो मेरे लिए वो मोहन हाउस का मोर है जो हमारा मोहन मॉल का वहाँ पर खड़ा है, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पर है। ओके, उसे कॉल कर लेता हूँ। तो मुझे जानना के लिए आप लोगों को जितना सुबह हो सके उतना सुबह निकलना है। अभी टाइम हो रहा है 6:10, पर मैं घर से निकला हूँ 5:30। हमारा 5 का प्लान था पर आधा घंटा लेट है, इसके लिए कोई हम लोग एक्सट्रीम स्पीड में भी नहीं जाएंगे क्योंकि पहले सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट में जाऊँगा बिंदु बसनी, जो शायद 110-120 किलोमीटर बहरमपुर से दूर है। और वीडियो में मेरे साथ जा रहा है मेरा एक दोस्त, उसका नाम है अरिजीत, वो सामने निकल गया है और मैं पीछे हूँ। बाप रे बाप, इतना कॉफ। और आज अप्रैल का 2 है, गर्मी खुश खुश के भरा है और इतना कॉफ आई नॉट एक्सपेक्टेड। और आप लोग भी शायद एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि गर्मी के मौसम में सुबह में इतना फॉग हो सकता है। अपनी विजिबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आप लोगों के मन में ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा, पिछला जो सब वीडियोस है इस चैनल में, उसमें चैनल का नाम कुछ एक है और मैं बंगाली में बात कर रहा था। इसका कारण मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग सा वीडियो रहेगा, क्योंकि इसका कारण भी बहुत बड़ा है। और इस वीडियो में मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूँगा। अभी अभी हम लोग फरक्का पहुंच चुके हैं और बहरमपुर से निकलते हुए हम लोगों का 2 हो गया। तो फरक्का में हम लोग का फास्ट हॉल्ट हुआ और यहाँ से थोड़ा चाय पी के हम लोग फिर निकल जाएंगे टुवर्ड्स पता है बिंदुवासिनी। तो स्टे ट्यून, अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो आशा करता हूँ कि बिंदुवासिनी और 1-1.5 में पहुँच जाएंगे, लगभग 9 के अंदर हम लोग बिंदुवासिनी पहुंच जाएंगे। और बिंदुवासिनी के लिए हमने थोड़ा पूरे बापरे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा एक
अरे बाप रे बाप, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। पता नहीं कितने आदमी और कितने लोग घायल हुए हैं। तो बस एक ही बात सबको बोलना चाहता हूँ कि जब भी रास्ते में बाइक या कार या ट्रक चला रहे हो तो खुद का सेफ्टी ज़रूर मेंटेन कीजिए। लगता है ये फॉग जब सुबह था तब एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा हुआ। खुद का सेफ्टी खुद के पास है, तो प्लीज़ सब लोग सेफ्टी ज़रूर मेंटेन कीजिए। अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट या हेलमेट और राइडिंग गियर ज़रूर पहने। कभी भी हार्ड ड्राइव मत कीजिए। अगर लेट हो रहा है आधा घंटा एक घंटा लेट होने दीजिए, पर हार्ड ड्राइव बहुत ही बुरा चीज़ है, बहुत ही बुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बिंदु पास से निकलिए, फरक्का से पहले, फरक्का जो ब्रिज है उससे पहले लेफ्ट देना पड़ेगा। और रास्ता मुझे भी पता नहीं, हम भी गूगल मैप फॉलो करके जा रहे हैं। आप भी गूगल मैप फॉलो कीजिए, पर फुल्ली डिपेंडेंट मत रहिए गूगल मैप के ऊपर। हमेशा कंफर्म के लिए लोगों को आस्क कीजिए। और जो लेफ्ट साइड का रास्ता है वो बहुत ही जैम भरा रास्ता होगा, मुझे पता है। बहुत ही बुरा रास्ता है हमारा। हवाई सफ़र यहीं तक था, उसके बाद दो सफ़र। ये रहा वो लेफ्ट का रास्ता। रास्ता देख कर समझ चुके होंगे आप लोग कितना बुरा हालात होगा हमारा। तो बिंदु बसनी धाम में अभी हम लोग पहुंच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे हम लोग पहुंच गए। और गूगल मैप देख कर आ रहे थे तो रास्ता भटक गए थे। कभी भी अगर यहाँ पर आना हो तो गूगल मैप कभी नहीं फॉलो करना, हमेशा लोगों के साथ बात करके यहाँ पर आना। और मेरा जो हिंदी है आप समझ सकते हो हिंदी कितना बुरा है, तो बुरा हिंदी के साथ देखते रहिए ये वीडियो। और यहाँ का जो नज़ारा है आप पहले ये नज़ारा देख लीजिए। पत्थर का इतिहास हमने यहाँ पर कुछ दोस्त थे उन लोगों से सुना है। और ये पत्थर क्यों है ये इसका कारण भी मैं बता रहा हूँ। तो हनुमान जी जब लक्ष्मण के लिए अंजनी बूटी ले जा रहा था वो पहाड़ लेके हाथ पे, तो नीचे जब भरत था तो उसने देखा, उसने वो थोड़ा घबरा गया, इतना बड़ा चीज़ क्या है ऊपर से क्या ले जा रहा है। तो वो जब बाण चलाया हनुमान जी के ऊपर तो हनुमान जी वहाँ से जब गिर रहे थे तो पहला पैर यहाँ पर पड़ा था, तो इसलिए यहाँ पर एक पैर का छाप निशान भी रह गया। और यहाँ का जो निवासी है तो उन लोगों ने यहाँ का एक हनुमान जी का मंदिर और मूर्ति बनाया है, तो इसलिए ये पत्थर है। ये जगह बारमपुर से 120 किलोमीटर दूरी में है। यहाँ से हम लोग निकलेंगे शिवगड्डी की तरफ जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी में है, और जाने में लगभग 45 मिनट्स या एक घंटा लगेगा, वो डिपेंड करेगा हम किस तरह बाइक चलाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं शिवगड्डी की तरफ। हम लोग वो बिंदु बसनी धाम से निकल चुके हैं और शिवगड्डी की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में आप लोगों को ये छोटा मोटा थोड़ा पहाड़ दिखेगा जो कि बहुत पसंद आएगा। पहुंच गए हैं शिवगड्डी। आप देख सकते हो कि कितना सीढ़ियाँ है और ये सब चढ़ के ऊपर जाना होगा मंदिर दर्शन के लिए।
ऊपर एक छोटा झरना मिलेगा और गुफा भी मिलेगा। गुफा के अंदर वो मंदिर है, शिव जी का मूर्ति भी है गुफा के अंदर। पर उसके लिए ये इतना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अटैच करो, बस इतना ही उठा और इससे चार गुना ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा। अच्छी ऊपर पहुंच गया शिवगड्डी के मंदिर के पास, पर चढ़ने के बाद बहुत ही बुरा हाल है। ऊपर से गर्मी और इतना खड़ा सीढ़ी। आप मंदिर के अंदर देखते हैं क्या है। गड्डी में है अभी, हम मंदिर दर्शन कर लिए और थोड़ा छाँव में रुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी 11 बजने वाला है और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और एक बात, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया है, पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि खाना का। ज़्यादा से ज़्यादा आप खाना खुद कैरी कीजिए और खुद का खाना खाइए, क्योंकि बाहर का खाना का बहुत कम मिलता है। हमारे दूसरे जगह के तरह यहाँ पर इतना अवेलेबल नहीं है खाना। शिवगड्डी के बाद हम लोग पहुँच गए मती झरना, और शिवगड्डी से मती झरना का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और हम लोगों को लगा 1 घंटा। पर ये जो झरना का वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो हम लोग जब पिछले बार मती झरना आए थे उस टाइम का वीडियो है। और इस बार जो व्यू मिला उसमें झरना ही नहीं है, ये झरना सिर्फ रेनी सीजन में बहता है और गर्मी में सूख जाता है। तो अगर अप्रैल में कोई मती झरना आना चाहता है तो कभी भी मत आओ। झरना नहीं है तो क्या हुआ, हम लोगों ने एंजॉय में कोई कमियां नहीं छोड़ा। निकल गए हैं और टाइम हुआ है 3:10 और यहाँ से बहरमपुर के लिए टाइम लगेगा 4:12। गूगल मैप दिखा रहा है। और रास्ते में हम लोग खाएंगे, खाने के लिए रुकेंगे तो लगभग 5-6 घंटे लगेंगे। अभी टाइम हो रहा है 5:20 और हम लोग अभी फरक्का क्रॉस कर चुके हैं और पीछे रास्ते में बहुत ज़्यादा जैम है इसीलिए और आधा घंटा लेट हो गया, नहीं तो और पहले हम लोग पहुँच जाते यहाँ पर। और आज हम लोग ने लंच नहीं किया और लंच के लिए अच्छा कोई होटल नहीं मिला हम लोगों को, तो इसीलिए बिस्किट और पानी पी के अभी बाइक भगा रहे हैं। और प्लान किया है कि रास्ते में पलसुंडा में पप्पू ढाबा है, वहाँ पर शाम को स्नैक्स या तरकर रोटी खा के घर चला जाएंगे। तो यही था प्लान। और घर जाने में और 2 घंटे लगेंगे या 7:30 के अंदर हम लोग घर पहुँच जाएंगे। अगर आप लोग भी ऐसा ही एक दिन के ट्रिप के बारे में प्लान कर रहे हो तो ये ट्रिप कर सकते हो। एक ही दिन में 3 जगह आप लोग घूम सकते हो और थोड़ा पहाड़ का भी मज़ा आएगा और झरना का भी मज़ा आएगा। पर अभी अप्रैल मंथ में झरना बिल्कुल सूख चुका है, वो रेनी सीजन में झरना का पानी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप अगस्त में आओगे तो और ज़्यादा बेहतर।
तो इस वीडियो में मैं अभी तक कैसे जाना है, क्या क्या देखने का जगह है और हमारे साथ जो जो प्रॉब्लम हुआ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अब बारी है कितना खर्चा हुआ है। मेरा 160 सीसी का बाइक है और मेरा अप डाउन का टोटल 400 किलोमीटर हुआ। लगभग मुझे 700 रुपीस का पेट्रोल पड़ा है। आपका जैसा बाइक है उसी तरह आप माइलेज हिसाब कर लेना 400 किलोमीटर का। और रास्ते में हम लोगों को एक बार ही एक होटल मिला था, उसमें हमारा 50 रुपीस पड़ा और कोई होटल ही नहीं मिला, इसलिए खर्चा नहीं हुआ। और हम लोग पल्सन ढाबा में रुकेंगे और वहाँ पर जो कुछ भी खाएंगे शायद 100 से 150 रुपये का पड़ेगा। तो लगभग आप ये मान के चलो कि आपको 1000 रुपीज़ का खर्चा पड़ेगा। तो ये वीडियो यही तक था। थैंक यू देखने के लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आप जिस जिस जगह पे जाऊँगा उसी जगह का टूर प्लान आप लोगों को दे दूँगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा कोई टूर प्लान चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेगुलर वीडियो आता रहेगा। थैंक यू।